ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड प्रोसेस कास्टिंग। प्रोसेस कास्टिंग का बहुत कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, मतलब सारे के सारे नोट्स हम लोग लिख चुके हैं। आई थिंक नॉर्मल लॉस अबनॉर्मल लॉस का नोट्स मैंने लिख रहा था, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में, मतलब आज के क्लास में नॉर्मल लॉस अबनॉर्मल लॉस उसका एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मूव करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन। लिखो एग्जांपल। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस इन ईच प्रोसेस and prepare normal loss account. Okay, तो हर प्रोसेस का नॉर्मल लॉस कंप्लीट करेंगे, फिर नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, लिखो पर्टिकुलर प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। प्रोसेस वन में 2000 यूनिट्स, अच्छा यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 1800, 1400, 1040, 1080। नॉर्मल लॉस परसेंटेज 10%, 20%, 25%। सेल वैल्यू पर यूनिट स्क्रैप 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। चलो बस इतना सा ही डाटा, एक बार रीड करो, फिर उसके हिसाब से हम नॉर्मल लॉस कंप्लीट करेंगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट्स भी बनाएंगे। ठीक है, क्या बोला? फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस इन ईच प्रोसेस एंड प्रिपेयर नॉर्मल लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री। प्रोसेस वन में इंट्रोड्यूस हुआ 2000 यूनिट्स, फिर प्रोसेस वन से हमें आउटपुट मिला 1800 जो नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट प्रोसेस उससे हमें मिला 1440 जो तीसरे प्रोसेस को ट्रांसफर हुआ। आंसर नॉर्मल लॉस परसेंटेज भी दे रहा है, सेल वैल्यू मतलब स्क्रैप को तुम कितना में सेल करोगे वो भी दे रहा है। चलो लिखो सॉल्यूशन। तो पहले हम नॉर्मल लॉस कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट। प्रोसेस वन,
कितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने बताया था नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस, तो तुम बोलो प्रोसेस वन में कितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ है, 2000 इंटू 10%, तो तुम्हारा नॉर्मल लॉस हो जाएगा 200 यूनिट्स। अगर 2000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ, 200 यूनिट से नॉर्मल लॉस होगा, तो नॉर्मल आउटपुट कितना होगा, 1800 यूनिट्स नॉर्मल आउटपुट होगा, 1800 यूनिट्स। ओके, प्रोसेस टू को 1800 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ प्रोसेस टू में, क्योंकि प्रोसेस वन में 1800 यूनिट्स ट्रांसफर हुआ है नेक्स्ट प्रोसेस को, तो इसका मतलब प्रोसेस टू में 1800 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों, पिछले प्रोसेस से जितना ट्रांसफर होगा तो नेक्स्ट प्रोसेस मतलब इस प्रोसेस में उतना ही इंट्रोड्यूस होगा। तो अब इधर कितना परसेंट, 20%, तो तुम्हारा नॉर्मल लॉस होगा 360 यूनिट्स। अगर यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 1800, नॉर्मल लॉस 360, तो नॉर्मल आउटपुट कितना होना चाहिए, 1440 यूनिट्स। प्रोसेस थ्री को चेक करो कितना ट्रांसफर हुआ है प्रोसेस टू से, 1440, तो 1440 इंटू 25%, तो ये रहा है तुम्हारा 360। तो 1440 इंट्रोड्यूस हुआ, 360 तुम्हारा नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल आउटपुट कितना होगा, नॉर्मल आउटपुट का मतलब यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस नॉर्मल लॉस, तो 1080 यूनिट्स होगा। चलो नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन हो गया, अब लिखो नॉर्मल लॉस अकाउंट। बोलो जब नॉर्मल लॉस होगा तो क्या होगा, जर्नल एंट्री प्रोसेस अकाउंट डेबिटेड टू, सॉरी नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, ऑलरेडी मैं नोट्स लिखा चुका हूं, ठीक है। प्रोसेस को क्रेडिट होगा नॉर्मल लॉस, तो एंट्री क्या होगा, प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट है ना तुम्हारे पास, तो प्रोसेस को क्रेडिट होगा नॉर्मल लॉस, तो एंट्री क्या होगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। तो प्रोसेस वन नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोसेस वन, बेटा कितना यूनिट्स, 200 यूनिट्स। अच्छा तुम्हारा नॉर्मल लॉस कितना हुआ है, 200 यूनिट्स। ओके, फिर तुम 200 यूनिट्स को बेचोगे, अच्छा उसका वैल्यू कितना, 200 स्क्रैप वैल्यू, फिर उसको बेचोगे तुम्हें, तो बाय बैक 200 यूनिट्स बेचोगे 200 में, चलो खत्म हो गया। अब देखो थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, प्रोसेस इनपुट नॉर्मल लॉस नॉर्मल आउटपुट थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, प्रोसेस इनपुट नॉर्मल लॉस नॉर्मल आउटपुट एक्चुअल आउटपुट प्रोसेस लॉस अबनॉर्मल लॉस या गेन, हमें ये सारी चीज एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो प्रोसेस वन,
जब तुम एफिशिएंट बन जाओगे ये एनालिसिस तुम्हारे दिमाग में हो जाएगा, लेकिन बिगनिंग लेवल में ये सब एनालिसिस हमें पेन एंड पेपर में करना पड़ेगा। चलो प्रोसेस वन तुम बताओ, प्रोसेस वन में इनपुट कितना डाले थे हम लोग, 2000, उसका नॉर्मल लॉस कितना 200, तो नॉर्मल आउटपुट कितना 1800। तुम बताओ एक्चुअल आउटपुट भी 1800, क्योंकि 1800 यूनिट्स ट्रांसफर हुआ है नेक्स्ट प्रोसेस को, तो एक्चुअल आउटपुट भी 1800। तो प्रोसेस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, इनपुट माइनस आउटपुट। तो प्रोसेस लॉस कितना 200। देखो जितना प्रोसेस लॉस उतना ही नॉर्मल लॉस, यानी अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन कुछ भी नहीं है, तो जीरो। सेकंड प्रोसेस को चलो, इनपुट कितना 1800, नॉर्मल लॉस कितना 360, तो नॉर्मल आउटपुट कितना 1440। एक्चुअल आउटपुट भी तुम देखो प्रोसेस टू का 1440, तो 1440। अब बोलो जितना इनपुट माइनस आउटपुट, प्रोसेस लॉस 360 उतना का ही, नॉर्मल लॉस था अब नॉर्मल जीरो। प्रोसेस थ्री में 1440, 360, नॉर्मल आउटपुट 1080, एक्चुअल आउटपुट भी 1080, तो 360 जीरो। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया था इसमें अबनॉर्मल लॉस अबनॉर्मल गेन नहीं था, ठीक है। चलो एनालिसिस हो गया, बात अच्छा हुआ। अब देखो रिकॉर्ड के हिसाब से तुम्हारा नॉर्मल लॉस कितना यूनिट्स हुआ है, 200 यूनिट्स, ठीक है। अब तुम बताओ तुम कितना यूनिट्स स्क्रैप में बेचोगे। भाई जितना एक्चुअली डैमेज हुआ है, उतना को तो तुम स्क्रैप में बेचोगे। तो नॉर्मल लॉस तुम्हारा 200, एक्चुअल लॉस भी 200, तो नॉर्मल लॉस को तुम बेचोगे स्क्रैप में, तो नॉर्मल लॉस तुम्हारा कितना 200, तो इसीलिए तुम 200 को बेचोगे स्क्रैप में। सेकंड प्रोसेस में नॉर्मल लॉस 360, तो 360 को तुम बेचोगे, नॉर्मल लॉस 360, तो 360 को तुम बेचोगे। अच्छा एक बात बताओ, मान लो थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करो, जो सवाल मैं पूछ रहा हूं थोड़ा समझने के लिए कोशिश करो। चलो मान लो मेरा नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स, मेरा एक्चुअल लॉस भी 100 यूनिट्स, इसको कॉपी मत करो खाली समझो, मेरा नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स और मेरा एक्चुअल लॉस भी 100 यूनिट्स, क्या अब नॉर्मल लॉस है? नो। क्या अब नॉर्मल गेन है? नो। तुम्हारे पास रियली डिफेक्टिव आइटम्स कितना होगा 100 यूनिट्स, तो तुम 100 यूनिट्स को बेचोगे स्क्रैप के हिसाब से, ठीक है। चलो सेकंड एग्जांपल, नॉर्मल लॉस तुम्हारा 100, एक्चुअल लॉस तुम्हारा 130, तो ये जो एक्चुअल लॉस 130, ये 130 से तुम 100 तो बेचोगे स्क्रैप में, क्योंकि जितना नॉर्मल लॉस होगा उतना तो स्क्रैप में तुम बेचोगे, और जो 30 बच रहा है ये अबनॉर्मल लॉस, ये स्क्रैप में वैल्यूएशन नहीं होगा, ठीक है। ये कॉस्ट फॉर गुड यूनिट के हिसाब से वैल्यूएशन होगा। मैंने ऑलरेडी बताया था कि अबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कॉस्ट फॉर गुड यूनिट के हिसाब से होगा, जो कि कॉस्टिंग पीएल को ट्रांसफर होगा। लेकिन देखो तुम्हारा 130 नॉर्मल लॉस, सॉरी लॉस हुआ है यानी डिफेक्टिव, लेकिन तुम कितने को, मतलब कितने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो कि चलो इसको स्क्रैप वैल्यू में रियलाइज करो 100 यूनिट्स, बाकी जो 30 भले ये मतलब डिफेक्टिव आइटम्स, लेकिन तुम इसको स्क्रैप में नहीं बेचोगे, क्योंकि इसका वैल्यूएशन कॉस्ट पर गुड यूनिट्स के हिसाब से होगा, ठीक है। चलो तीसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल लॉस तुम्हारा 100 लेकिन एक्चुअल लॉस तुम्हारा 80, इसका मतलब नॉर्मल लॉस तो 100 लेकिन अब नॉर्मल गेन कितना 20,
तो इसीलिए तुम्हारा एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है 80। अब तुम बोलो क्या तुम 100 यूनिट्स को स्क्रैप में बेचोगे? नो, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो तुम्हारा 100, लेकिन अबनॉर्मल गेन 20 यूनिट्स हो रहा है, यानी तुम्हारा एक्चुअली लॉस कितना 80, ठीक है। लेकिन तुम नॉर्मल लॉस को बेचोगे 100 यूनिट्स में, तो इसीलिए अबनॉर्मल गेन को अभी नॉर्मल लॉस अकाउंट को हम ट्रांसफर करके सेटअप करेंगे। भाई मैं कह रहा हूं कि मेरे मुझे 100 यूनिट से लॉस होना चाहिए, मैंने कहा कि चलो 100 यूनिट्स को मैंने बेच दिया स्क्रैप में, अब 100 यूनिट से एक्चुअली मेरा लॉस नहीं हुआ है, मेरे पास डिफेक्टिव यूनिट से कितना होगा 80, जो अबनॉर्मल गेन होगा वो तो गुड यूनिट्स के हिसाब से वैल्यूएशन होगा ना। तो मैंने बोला कि 100 यूनिट्स को मैंने बेचूंगा स्क्रैप के हिसाब से, फिर मैंने बोला कि अबनॉर्मल गेन के वजह से 20 यूनिट्स में नहीं बेच पाऊंगा। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है? हाँ, अगर तुम ऐसे बोलोगे कि चलो मुझे 80 यूनिट्स बेचना है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली डिफेक्टिव यूनिट्स कितना होगा 80, हाँ अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम होगा तो ये प्रॉब्लम अराइज होगा, एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा होगा तो ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा। और एक बार सुनो, चलो ये मेरा डिफेक्टिव यूनिट्स, ये मेरा डिफेक्टिव यूनिट्स, ठीक है, रियली डिफेक्टिव यूनिट्स कितना होगा 80, चलो मैंने 80 को सामने रखा, हाँ ये मेरे डिफेक्टिव यूनिट्स, इधर कितना यूनिट्स होगा 80, लेकिन मेरा नॉर्मल लॉस कितना 100 यूनिट्स। मैं यही कह रहा हूं कि नॉर्मल लॉस हुआ 100 यूनिट्स, ठीक है, तो नॉर्मल लॉस को मुझे स्क्रैप में बेचना होगा, तो ठीक है, क्या सच में मैं 100 यूनिट्स को स्क्रैप के हिसाब से बेच सकता हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे पास तो डिफेक्टिव 80 यूनिट्स होगा ना, तो इसीलिए हम यही बोलेंगे रियली हम 80 यूनिट्स बेचेंगे स्क्रैप के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास कितना डिफेक्टिव आइटम्स है 80, तो इसीलिए हम ऐसे बोलेंगे। पहला तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि चलो मैंने 80 को बेच दिया, लेकिन ऐसा अकाउंटिंग नहीं होता है, नॉर्मल लॉस हमेशा एस्टिमेटेड क्वांटिटी के हिसाब से होगा, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि चलो नॉर्मल लॉस हुआ 100, हाँ मैंने 100 को स्क्रैप में बेचा, ठीक है, लेकिन 20 यूनिट से मैंने स्क्रैप के हिसाब से नहीं बेच पाया, क्यों? अबनॉर्मल गेन के वजह से, तो इसीलिए नॉर्मल लॉस अकाउंट से अबनॉर्मल गेन का सेटअप होना जरूरी, तो इसीलिए मैंने बताया था कि चलो जब एग्जांपल होगा लूंगा मैं समझाऊंगा। ओके, चलो नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाइए। अच्छा ऑलरेडी तो मैं बना चुका, तो इसीलिए इधर एक्चुअल मतलब अबनॉर्मल गेन नहीं होगा, तो जितना नॉर्मल लॉस होगा उतना को तुम बेचोगे, ठीक है। चलो सेकेंड प्रोसेस का, टू प्रोसेस टू 360 720 स्क्रैप वैल्यू में बेचोगे भी बाय बैंक 360 यूनिट बेचोगे 720 में, ये खत्म हो गया। टू प्रोसेस थ्री 360 3 रुपया 1080 बेचोगे बाय बैंक 360 1080। नेक्स्ट लिखो एग्जांपल, और एक एग्जांपल लिखो। सॉरी, इनपुट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल फाइव टू 00, ये सब रुपीज में, हाँ डायरेक्ट वेजेस 4000, प्रोडक्शन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 100% ऑफ
डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का 100% तुम्हारा, डायरेक्ट वेजेस का 100% तुम्हारा प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 950 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस 5% एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट, 5% का नॉर्मल लॉस होगा, उसको तुम बेचोगे पर यूनिट 4 रुपया में। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट। चलो पहले बनाओ प्रोसेस अकाउंट, तो लिखो प्रोसेस अकाउंट, यूनिट का अमाउंट के लिए, यूनिट अमाउंट के लिए बोलो। टू बेसिक रॉ मटेरियल 1000 यूनिट्स 6000, टू रॉ मटेरियल मतलब अदर रॉ मटेरियल 5200, टू डायरेक्ट वेजेस 4000, टू प्रोडक्शन ओवरहेड 4000, बाय नॉर्मल लॉस बेसिक का 5%, 50 यूनिट्स होगा, 4 रुपए के हिसाब से 200 यूनिट्स, बाय प्रोसेस टू, देखो प्रोसेस टू को कितना यूनिट्स ट्रांसफर हुआ है 950। इसका वैल्यूएशन अभी हम करेंगे। देखो ओके, निकालो कॉस्ट पर गुड यूनिट, कॉस्ट पर गुड यूनिट इज इक्वल टू, देखो कॉस्ट पर गुड यूनिट इज इक्वल टू प्रोसेस अकाउंट्स का डेबिट साइड का टोटल क्या हो रहा है, कॉस्ट पर गुड यूनिट इज इक्वल टू प्रोसेस अकाउंट्स का डेबिट साइड का टोटल माइनस क्रेडिट साइड का टोटल डिवाइड बाई इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यानी नॉर्मल आउटपुट। देखो टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाई नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट क्या होता है ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 19200 माइनस स्क्रैप वैल्यू तुम्हारा 200 डिवाइड बाय 950 हो रहा है तुम्हारा नॉर्मल आउटपुट, ये आ रहा है 20 रुपया पर यूनिट। अब लिखो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, जितना गुड्स नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर हुआ है उसका वैल्यूएशन होगा इज इक्वल टू यूनिट्स ट्रांसफर इनटू कॉस्ट फॉर
गुड यूनिट, यूनिट ट्रांसफर इंटू कॉस्ट फॉर गुड यूनिट इज इक्वल टू 950 इंटू 20, ए आर आई 19,000। अब लिखो कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल गेन या लॉस इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ अबनॉर्मल लॉस अगेन इंटू कॉस्ट फॉर गुड यूनिट। इस क्वेश्चन में अबनॉर्मल लॉस का क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसका वैल्यूएशन हम नहीं करेंगे। चलो बाय प्रोसेस टू ए 19,000 खत्म हो गया। यहाँ पे देखो 1000 यूनिट्स, यहाँ पे भी 1000 यूनिट्स, ये हो रहा है 19,200, इधर भी हो रहा है 19,200। बस ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल लॉस अकाउंट्स, सॉरी प्रोसेस अकाउंट। अब लिखो नॉर्मल लॉस अकाउंट, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट टू प्रोसेस वन 50, 200 बाय बैंक 50, 200 खत्म। चलो नॉर्मल लॉस का एग्जाम्पल हो गया। अब लिखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल में लिखो ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉस ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉस लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ अबनॉर्मल लॉस इन ईच प्रोसेस। सारे प्रोसेस में अबनॉर्मल लॉस कितना हो रहा है क्वांटिटी कंप्यूट करो। पर्टिकुलर प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री इनपुट 2000 यूनिट्स, आउटपुट टू नेक्स्ट 1700 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स, 800 यूनिट्स, 1700, 1200, 800 नॉर्मल लॉस परसेंटेज तुम्हारा 10%, 20%, 25%। बस हमें अबनॉर्मल लॉस का क्वांटिटी निकालना होगा। चलो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, वीडियो पॉज हो गया था, मुझे मालूम नहीं है कि कहां से पॉज हो गया था, तो इसीलिए मैं पहला जो शुरू मतलब बिगनिंग में जो एग्जाम्पल था इसी एग्जाम्पल से और एक बार समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस, आइए कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस यूनिट्स
हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, प्रोसेस इनपुट नॉर्मल लॉस, नॉर्मल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, प्रोसेस लॉस, अबनॉर्मल लॉस। देखो प्रोसेस वन, इनपुट हुआ था 2000, नॉर्मल लॉस परसेंटेज तुम्हारा 10%, तो 200, तो नॉर्मल आउटपुट हो जाएगा तुम्हारा 1800, क्योंकि इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट तुम्हारा 1700। अब इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट हो जाएगा तुम्हारा प्रोसेस लॉस, तो इनपुट कितना 2000, एक्चुअल आउटपुट कितना 1700, तो प्रोसेस लॉस तुम्हारा कितना 300। अब नॉर्मल लॉस 200, एक्चुअल लॉस 300, डिफरेंस अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन। प्रोसेस टू, जो पिछला प्रोसेस का एक्चुअल आउटपुट होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट होगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट कितना 200, नॉर्मल लॉस 340, 20%, नॉर्मल आउटपुट 1360। कैलकुलेशन खुद समझने के लिए कोशिश करो। एक्चुअल आउटपुट तुम्हारा 1200, तो प्रोसेस लॉस 500, अबनॉर्मल लॉस 160। 1200, 25% के हिसाब से 300, नॉर्मल आउटपुट 900 होगा, एक्चुअल आउटपुट 800, प्रोसेस लॉस 400, ये हो जाएगा तुम्हारा 100। अब एक एग्जांपल लिखो, दूसरा एग्जांपल, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। From the following data, calculate the cost of abnormal loss and prepare abnormal loss account. Cost of abnormal loss calculation करेंगे, फिर abnormal loss account बनाएंगे। Input introduced in process 1, 2000 units. Output मिल रहा है 1700 units. Normal loss तुम्हारा 10%. स्क्रैप वैल्यू 1 रुपया के हिसाब से, मेटेरियल खर्चा हुआ है 10,000, लेबर लगा हुआ है 6,000, ओवरहेड लगा हुआ है 2,200। लिखो सॉल्यूशन, उसका आंसर लिखो। पहले प्रोसेस अकाउंट बनाओ, ऑब्वियसली प्रोसेस वन अकाउंट, बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत आसान है, ठीक है। मेरे क्लासेस मतलब पूरा का पूरा क्लासेस में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, जैसे कि कॉस्टिंग का, कॉस्टिंग पेपर का पूरा क्लासेस यूट्यूब में अपलोड ऑलरेडी है। ये भी रहेगा, मतलब ये नहीं कि आज तुम देखोगे क्लास फिर उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा, नहीं। स्टूडेंट्स के लिए एक ही हेल्प है मेरे तरफ से, ठीक है। तो जो भी जिसको भी कॉस्टिंग पेपर में दिक्कत आ रहा है तो तुम स्टूडेंट को रेफर कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, कि हाँ अगर तुम्हें मटेरियल भी चाहिए वो थोड़ा नॉमिनल कॉस्ट में मिल जाएगा, मुझे कॉन्टैक्ट करो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से, वो नॉमिनल कॉस्ट में मिल जाएगा, जितना भी उसका खर्चा आएगा बस उतना ही चार्ज किया जाएगा। अगर तुम आउट स्टेशन मतलब ओडिशा के बाहर स्टूडेंट हो तो उस वक्त पोस्टल चार्जेस भी लगेगा। यूनिट अमाउंट बोलो, टू मटेरियल मतलब बेसिक मटेरियल 2000 यूनिट्स, 10,000 उसका वैल्यू, टू लेबर 6,000,
टू ओवरहेड 2200। बाय नॉर्मल लॉस 2000 यूनिट का 10% 200, एक रुपया के हिसाब से उसका वैल्यू होगा 200। बाय प्रोसेस टू बाय अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखो आउटपुट कितना 1700 यूनिट्स, तो जितना आउटपुट होगा उतना ट्रांसफर होगा। अब अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, अपने आप मिल जाएगा। या इधर मतलब डेबिट साइड में 2000, क्रेडिट साइड में 900, यानी तुम्हारा अबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स होगा। अब क्वेश्चन सवाल ये आ रहा है कि सर ये दोनों का वैल्यूएशन क्या होगा। नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन तो स्क्रैप वैल्यू में होगा, नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन हमेशा स्क्रैप वैल्यू में होगा, लेकिन अबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का वैल्यूएशन ये हमेशा कॉस्ट पर गुड यूनिट के हिसाब से होगा। कॉस्ट पर गुड यूनिट कैसे कैलकुलेशन होगा उसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। तो कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा कॉस्ट पर गुड यूनिट, वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस, वैल्यूएशन ऑफ ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। चलो वर्किंग नोट हम बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर गुड यूनिट, बोलो कॉस्ट फॉर गुड यूनिट इज इक्वल टू, बोलो कॉस्ट फॉर गुड यूनिट का फॉर्मूला क्या है। टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट का मतलब होता है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। पूरा सारे कंसेप्ट को दिमाग में बैठा दो, ठीक है। कॉस्टिंग पेपर बहुत आसान पेपर, बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार पेपर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कॉस्टिंग। हाँ मैं भी बहुत अच्छा भी पढ़ाता हूँ कॉस्टिंग, ठीक है। नहीं हुआ तो क्या हुआ। चलो टोटल कॉस्ट का मतलब डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल तुम्हारा 18,200 हो रहा है, माइनस स्क्रैप वैल्यू तो 200 यूनिट्स डिवाइड बाय 1800 मतलब 2000 माइनस 200 इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल आउटपुट। ये आ रहा है तुम्हारा 10 पर यूनिट्स। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इज इक्वल टू यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इनटू कॉस्ट पर गुड यूनिट। यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इनटू कॉस्ट पर गुड यूनिट, बोलो कितना यूनिट्स नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर हुआ है। 1700 इनटू 10 करोगे तो 17000 ही आएगा। अब कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू अबनॉर्मल लॉस इनटू कॉस्ट फॉर गुड यूनिट। कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू अबनॉर्मल लॉस इनटू कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट, बोलो अबनॉर्मल लॉस कितना 100 इनटू 10 करोगे तो 1000 आएगा। चलो इधर पुट करो 1700, 1000, 1000। अब देखो टैली हो गया, ये 2000 इधर भी 2000, 18200 इधर भी 18200। चलो प्रोसेस अकाउंट हो गया, वैल्यूएशन हो गया। अब लिखो नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट भी हम देंगे। टू प्रोसेस वन कितना यूनिट, 200 यूनिट्स वैल्यू कितना 200, बाय बैंक हो जाएगा 200 200। अब लिखो अबनॉर्मल लॉस अकाउंट,
बोलो टू प्रोसेस वन कितना यूनिट्स, 100, इसका वैल्यू 1000। देखो तुम्हारा अब यहां पे समझने के समझना पड़ेगा,
देखो ये जो अबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स, ये तो तुम्हारा डिफेक्टिव यूनिट्स बोला है सर? नो, हाँ अगर डिफेक्टिव यूनिट्स हो रहा आ रहा है तो तुम उसको स्क्रैप में तो रियलाइज करोगे, तो इसको तुम बेच दोगे बाय बैंक। 100 यूनिट्स को तुम बेचोगे 100 रुपया में, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से, और जो बैलेंस कॉस्ट है वो कॉस्टिंग पीएल को ट्रांसफर हो जाएगा। तो बाय कॉस्टिंग पीएल 900। सॉरी, और एक एग्जांपल लिखो। पर्टिकुलर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 2000, आउटपुट 1900, 1600, 1300, नॉर्मल लॉस परसेंटेज तुम्हारा 10%, 20%, 25%। फाइंड आउट अबनॉर्मल गेन इन ईच प्रोसेस। मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में अबनॉर्मल गेन ही होगा, इसीलिए मैंने बोला कि चलो तुम निकालो अबनॉर्मल गेन। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला? इतना एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में अबनॉर्मल गेन होगा या अबनॉर्मल लॉस होगा। सर थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। लिखो कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल गेन, कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल गेन प्रोसेस। बस वही फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। इनपुट नॉर्मल लॉस, नॉर्मल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, प्रोसेस लॉस, अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल लॉस भी आ सकता है, गेन भी आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में गेन ही आएगा, इसलिए हम गेन के हिसाब से फॉर्मेट डेवलप किए हैं। प्रोसेस 1 यूनिट्स मतलब इनपुट 2000, 10% 200 यूनिट्स, नॉर्मल आउटपुट तुम्हारा होगा 1800, एक्चुअल आउटपुट 1900। देखो इनपुट एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस प्रोसेस लॉस, तो प्रोसेस लॉस 100 यूनिट्स, लेकिन तुम्हारा नॉर्मल लॉस 200 यूनिट्स, तो नॉर्मल लॉस हो गया ही होगा, इसका मतलब अब नॉर्मल गेन हुआ है 100 यूनिट्स। प्रोसेस 2 जो एक्चुअल आउटपुट होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट होगा 1900, 20% के हिसाब से 380, नॉर्मल आउटपुट तुम्हारा 1520, एक्चुअल आउटपुट तुम्हारा 1600, तो प्रोसेस लॉस तुम्हारा कितना हुआ है चेक करो। प्रोसेस लॉस तुम्हारा हुआ है 300, लेकिन नॉर्मल लॉस तुम्हारा 380, तो इसका मतलब तुम्हें अब नॉर्मल गेन मिल रहा है 80। प्रोसेस 3 1600, 400, 1200, 1300, 300, 100। देखो एग्जाम्पल, फ्रॉम द फॉलोइंग
डाटा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल गेन एंड प्रिपेयर अबनॉर्मल गेन अकाउंट। हाँ, मैंने अबनॉर्मल गेन अकाउंट मांगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाली अबनॉर्मल गेन अकाउंट दोगे, तुम्हें सारे अकाउंट्स देना पड़ेगा, प्रोसेस अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, अबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। इनपुट 2000 यूनिट्स, आउटपुट 1900 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस तुम्हारा 10%, स्क्रैप वैल्यू 1 रुपया। चलो बस इतना ही डाटा। लिखो सॉल्यूशन। पहले तुम्हें अबनॉर्मल मतलब गेन कितना हुआ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो इनपुट कितना 2000, तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा इनपुट इंटू नॉर्मल लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 2000 इंटू 10% इज इक्वल टू 200। नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू 2000 माइनस 200 इज इक्वल टू 1800। एक्चुअल आउटपुट तुम्हारा 1900 यूनिट्स, तो प्रोसेस लॉस इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट 2000 माइनस 1900 इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। अब नॉर्मल लॉस तुम्हारा 200 यूनिट्स, एक्चुअल लॉस 100 यूनिट्स, तो अब सॉरी प्रोसेस लॉस। अब लिखो अबनॉर्मल गेन इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। अब लिखो प्रोसेस अकाउंट, अच्छा, ये क्वेश्चन में लिखो मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, ये तीनों मिला के 18,200। क्वेश्चन में मिसिंग था, मैंने कॉस्ट नहीं दिया था, तो कॉस्ट नहीं होगा तो कैसे कॉस्ट कैसे कंप्यूट होगा। तो लिखो टू मटेरियल लेबर ओवरहेड, क्वांटिटी तो 2000 होगा लेकिन ये तीनों का अमाउंट होगा 18,200। ओके, बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस होगा तुम्हारा 200 यूनिट्स, 200 रुपया। बाय आउटपुट या प्रोसेस टू, प्रोसेस टू को कितना ट्रांसफर हुआ है देखो 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 1900। अब टू
अबनॉर्मल गेन आएगा। देखो ये 1900 प्लस 200 क्रेडिट साइड में हो रहा है 2100, इधर 2000 तो 100 यूनिट्स। अब सवाल यही है कि प्रोसेस टू को जितना जाएगा उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, अबनॉर्मल गेन का वैल्यूएशन कैसे होगा। ये दोनों का वैल्यूएशन गुड यूनिट के कॉस्ट के हिसाब से होगा, तो इसीलिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कॉस्ट फॉर गुड यूनिट। तो अब लिखो कॉस्ट फॉर गुड यूनिट इज इक्वल टू 18,200 माइनस 200 डिवाइड बाई 2,000 माइनस 200 इज इक्वल टू 10। अब लिखो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इज इक्वल टू 1900 इंटू 10 19,000 कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल गेन, कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल गेन इज इक्वल टू अबनॉर्मल गेन कितना 100 यूनिट्स इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। चलो इधर लिखो 19,000, इधर लिखो 1000, बस खत्म हो गया। अब लिखो नॉर्मल लॉस अकाउंट, फिर लिखो अबनॉर्मल गेन अकाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट। बोलो नॉर्मल लॉस कितना, टू प्रोसेस वन नॉर्मल लॉस तुम्हारा 200 यूनिट्स था, 200। आपने गेन में बाय प्रोसेस वन 100, 1000। अब देखो तुम्हारा नॉर्मल लॉस 200 यूनिट, हाँ, लेकिन प्रोसेस लॉस तुम्हारा 100 यूनिट्स, अबनॉर्मल गेन तुम्हारा 100 यूनिट्स, लेकिन इधर नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड हो रहा है 200 यूनिट्स, लेकिन क्या तुम 200 यूनिट्स को बेच पाओगे स्क्रैप में? नो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक्चुअल डिफेक्टिव यूनिट्स कितना, ये जो अबनॉर्मल गेन ये तो अच्छा मतलब क्या ये तो डिफेक्टिव नहीं है ना, ये गुड यूनिट होगा जो अबनॉर्मल गेन हुआ है। हाँ अबनॉर्मल लॉस होगा तो वो डिफेक्टिव आइटम, क्योंकि जो लॉस होगा वो डिफेक्टिव आइटम्स, जो गेन होगा थोड़ी ना वो डिफेक्टिव आइटम्स होता है। हाँ तुम्हारा नॉर्मल, और एक बार सुनो, तुम्हारा नॉर्मल लॉस 200 यूनिट्स ऐसा नो, लेकिन एक्चुअली लॉस कितना 100 यूनिट्स ही, लेकिन तुम नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड कितना कर रहे हो 200 यूनिट्स। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितना लॉस यूनिट होगा उतना को तुम बेचोगे स्क्रैप वैल्यू में, तुम्हारा लॉस 200 यूनिट्स रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन एक्चुअल लॉस कितना 100 यूनिट्स, इसीलिए तुम 100 यूनिट्स को बेचोगे स्क्रैप में, लेकिन नॉर्मल लॉस तो 200 यूनिट, लेकिन बेचोगे कितना 100 यूनिट से। जो 100 यूनिट से तुमने बेच नहीं पाया वो किसके वजह से, अबनॉर्मल गेन के वजह से, क्योंकि मैंने अबनॉर्मल गेन को मतलब मेरे लिए गुड यूनिट्स। अब देखो ये जो नॉर्मल लॉस 200 यूनिट से, क्या तुम 200 यूनिट्स को स्क्रैप में बेचोगे? नो, क्योंकि तुम्हारे पास एक्चुअल लॉस 100 यूनिट, इसीलिए बाय बैंक हो जाएगा 100 यूनिट से 100 रुपया, और जो 100 यूनिट्स इसको तुम नहीं बेचोगे इसको नॉर्मल लॉस सॉरी अबनॉर्मल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट करोगे, तो इसीलिए बाय अबनॉर्मल गेन हो जाएगा 100 रुपया।
उसका वैल्यू भी 100, बस खत्म हो गया। अब अबनॉर्मल गेन अकाउंट का ये अबनॉर्मल गेन अकाउंट बाय प्रोसेस वन कितना 100 यूनिट्स, उसका रियल वैल्यू 1000। देखो बेटा अबनॉर्मल गेन हमेशा गुड यूनिट होता है, ठीक है। टू नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट 100 यूनिट्स एडजस्ट हो जाएगा 100 वैल्यू, तो टू कॉस्टिंग पीएल कितना जाएगा 900, जो बैलेंस वो कॉस्टिंग पीएल को ट्रांसफर होगा, ठीक है। बस आज के मतलब इस वीडियो को मैं यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ। नहीं नहीं, इस वीडियो को हम ब्रेक नहीं करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ कॉन्सेप्ट लिखेंगे, डोंट वरी। देखो अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं उसका एक बार एक समरी हम बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो प्रोसेस कॉस्टिंग का दो पार्ट होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग का एक होता है बेसिक, फिर एक होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन थोड़ा टेक्निकल होता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोगों का खत्म हो चुका है, तो इसीलिए मैं बेसिक का एक बार समरी नोट्स बना देता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट का हम डिस्कशन करेंगे। चलो जो बेसिक ट्रीटमेंट हमारा होता है उसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक होता है लॉस एनालिसिस और एक होता है कॉस्ट एनालिसिस और एक होता है वैल्यूएशन। ये सारी चीज ऑलरेडी खत्म हो चुका है। मैं और एक बार बता देता हूं कि लॉस एनालिसिस का मतलब नॉर्मल लॉस कितना होगा, अबनॉर्मल लॉस कितना होगा, अबनॉर्मल गेन कितना होगा, ये कैलकुलेशन। क्या ये तुम्हें मालूम है, बोलो यस और नो? हाँ सर। कॉस्ट एनालिसिस मतलब कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर गुड यूनिट। वैल्यूएशन का मतलब ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कैसे वैल्यूएशन होगा, नॉर्मल लॉस कैसे वैल्यूएशन होगा, अबनॉर्मल लॉस कैसे वैल्यूएशन होगा, अबनॉर्मल गेन कैसे वैल्यूएशन होगा। तुम बोलो लॉस एनालिसिस में दो चीज आएगा, नॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल गेन प्रोसेस लॉस, ये सारे चीज ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं। नॉर्मल लॉस का फॉर्मूला, अबनॉर्मल लॉस अभी मैं समरी बनाता हूं मतलब और रिकॉल कर रहा हूं, ठीक है। कॉस्ट एनालिसिस में तुम क्या कैलकुलेशन करोगे, कॉस्ट फॉर गुड यूनिट। कॉस्ट फॉर गुड यूनिट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ऑफ डेबिट साइड याद है माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट क्या होता है, नॉर्मल आउटपुट होता है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। ओके, वैल्यूएशन में बोलो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, बोलो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस वैल्यूएशन होगा कॉस्ट पर गुड यूनिट के हिसाब से। फॉर्मूला याद आ रहा है, मैंने मल्टीप्लाई किया था ट्रांसफर टू नेक्स्ट यूनिट इनटू सॉरी ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इनटू कॉस्ट पर गुड यूनिट, फिर वैल्यूएशन में नॉर्मल लॉस, बोलो नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे होगा, स्क्रैप वैल्यू के साथ होगा, फिर अबनॉर्मल गेन कैसे वैल्यूएशन होगा,
abnormal gain quantity into cost per good unit, फिर abnormal loss valuation, abnormal loss valuation होगा abnormal loss का quantity into cost per good unit, ठीक है, ये तो ये था valuation में। फिर उसके बाद प्रोसेस अकाउंट्स, चलो चार पार्ट कर देते हैं, अब तो जगह नहीं है, हाँ चार पार्ट कर देते हैं। और एक होता है प्रोसेस, सॉरी अकाउंट्स, प्रोसेस नहीं, अकाउंट्स में प्रोसेस अकाउंट आएगा, फिर नॉर्मल लॉस अकाउंट आएगा, फिर अबनॉर्मल लॉस अकाउंट आएगा, फिर अबनॉर्मल गेन अकाउंट आएगा। बस इतना सा ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ये प्रोसेस कॉस्टिंग का 50% कॉन्सेप्ट, बाकी जो 50% कॉन्सेप्ट इसके साथ ऐड होगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन थोड़ा टेक्निकल होता है, ठीक है। चलो फटाफट इलुस्ट्रेशन 24 रीड करो, ये प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर का पहला क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहा हूं, तो फटाफट इलुस्ट्रेशन 24 रीड करो। अगर तुम मेरे मैथ से कर रहे हो प्रोसेस कॉस्टिंग, तो मेरे मैट में भी एक क्वेश्चन इलुस्ट्रेशन 24 के नाम पे है। अगर तुम तुम्हारा स्टडी मैट देख रहे हो तो तुम्हारा स्टडी मैट में भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो फटाफट इलुस्ट्रेशन 24 रीड करो। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर प्रोसेस टू आर गिवन, प्रोसेस टू के लिए डाटा दे रहा है, किधर जा रहा भाई, ट्रांसफर टू प्रोसेस टू एट कॉस्ट 4000 यूनिट 9000, मतलब प्रोसेस वन से प्रोसेस टू पर ट्रांसफर हुआ था 4000 यूनिट्स 9000 रुपीज में, प्रोसेस टू का डायरेक्ट वेजेस 2000, प्रोसेस टू का डायरेक्ट मटेरियल 3000, ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक मतलब प्रोसेस टू लास्ट प्रोसेस, क्योंकि देखो अगर प्रोसेस वन पहला प्रोसेस होगा, प्रोसेस टू सेकेंड प्रोसेस होगा, तो फर्स्ट प्रोसेस में तुम्हारा फिनिश गुड्स नहीं आएगा, तो इसीलिए प्रोसेस वन से प्रोसेस टू पर ट्रांसफर होगा। अगर प्रोसेस टू तुम्हारा सेकेंड प्रोसेस, प्रोसेस थ्री थर्ड प्रोसेस, तो प्रोसेस टू में तुम्हारा फिनिश गुड्स नहीं आएगा, तो प्रोसेस टू से प्रोसेस थ्री को ट्रांसफर होगा। अगर प्रोसेस थ्री तुम्हारा लास्ट प्रोसेस, तो प्रोसेस थ्री से फिनिश गुड्स आएगा, जो कि फिनिश गुड्स स्टॉक को ट्रांसफर होगा। यहाँ पे प्रोसेस टू से फिनिश स्टॉक का ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक लिखा है, इसका मतलब प्रोसेस टू इज द लास्ट प्रोसेस, इस प्रोसेस से आउटपुट फिनिश गुड्स स्टॉक को जा रहा है, ठीक है। चलो तो प्रोसेस टू को, सॉरी फिनिश गुड्स कितना आया आउटपुट 3240, फैक्ट्री ओवरहेड इन द प्रोसेस आर ऑब्जर्व एट द रेट ऑफ 400% ऑफ अ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का 400% होगा तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड। अलाउंसेस फॉर नॉर्मल लॉस इज 20% ऑफ यूनिट्स वर्कड, जितना काम होगा उसका 20% नॉर्मल लॉस होगा। स्क्रैप वैल्यू इज ₹5 पर यूनिट, इवैल्यूएट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक यूजिंग द इंफॉर्मेशन सप्लाइड अबव, सो द अमाउंट ऑफ अ गेन और लॉस इन द प्रोसेस टू बी टेकन टू कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो एक काम करो, आंसर कॉपी में लिखो, सर स्टडी मैट में तो इसका आंसर है, समझा दीजिए, नहीं कॉपी में लिखना पड़ेगा सर, बट क्वेश्चन में तो आंसर है, नो बट, ठीक है, ओनली लिखो। मेरा क्लासेस का एक ही खासियत पॉइंट यही है कि मैं नोट्स लिखाऊंगा,
पांच या छह कॉपी में भर दूंगा नोट्स लिखा के, जो किसी भी दूसरे टीचर नहीं करते। मैं नोट्स के ऊपर भरोसा करता हूं, क्योंकि आज तुम क्लास कर रहे हो, सुन के याद मतलब रह जाते तुम्हारा, लेकिन कल या परसों या 15 दिन के बाद तुम तो भूल जाओगे, फिर से थोड़ी ना क्लास करोगे। मेरा नोट्स का अगर तुम रीड करोगे तो सब कुछ याद आ जाएगा, तो इसीलिए आंसर कॉपी में लिखो। चलो पहले लिखो प्रोसेस टू अकाउंट। अच्छा, सभी लोग जो भी ये क्लास यूट्यूब में देख रहे हो, सभी लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट कि जितना भी तुम्हारा सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स है सी एस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए, सबको मेरे चैनल के बारे में बताओ, मेरे क्लासेस के बारे में बोलो कि हाँ अगर तुम्हें मेरे क्लास अच्छा लग रहा है तो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं कोई दूसरे टीचर तुम्हें अच्छा पढ़ाता है तो उन लोगों का क्लासेस के बारे में तुम प्रमोशन कर सकते हो। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि जो भी सी एस प्रोफेशन में आएंगे, जितना मिनिमम कॉस्ट में हो पाएगा मैं डेफिनेटली करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि आजकल फाइनेंशियल पोजीशन सबका बिगड़ चुका है कोरोना के बाद। कोरोना तो हमें सिखा दिया कि कैसे हम जीना चाहिए। चलो यही रिक्वेस्ट कि सभी स्टूडेंट को जितने भी तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट में है सबको मेरे चैनल के बारे में शेयर करो, फिर बोलो कि कोस्टिंग का क्लास बहुत, देखो सच में बोलो मेरा जो टीचिंग टेक्निक्स, मेरा कोस्टिंग का जो भी कॉन्सेप्ट एनालिसिस तुम्हें कैसे लगता है। अगर तुम सेटिस्फाई तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में एक कमेंट दे देना कि सर खुद का नाम लिख के, नाम तो आ जाएगा, तुम खुद लिखो कि सर क्लास अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें खराब भी लग रहा है तुम लिखो, क्योंकि अगर मैं, मुझे तो नहीं पता है ना तुम्हें कैसे लग रहा है, तो बहुत स्टूडेंट तो क्लास कर रहे हैं, तो इसीलिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, चलो प्रोसेस टू अकाउंट टॉपिक क्या है, मेन मुद्दे को क्वांटिटी अमाउंट। चलो टू प्रोसेस वन, कितना यूनिट से आया था 4000, कितना में 9000 में। अब प्रोसेस टू का जो भी खर्चा हुआ है डेबिट साइड में लिखो, टू वेजेस, बोलो वेजेस कितना 2000, टू मेटेरियल, ये एडिशनल मेटेरियल बेसिक नहीं 3000, टू फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड मेटेरियल का 400%, मेटेरियल कितना 3000 इंटू 400%, ये 12000 हो जाएगा, बाय नॉर्मल लॉस क्वांटिटी होगा 4000 का 20%, तो 4000 इनपुट इंटू 20%, तो क्वांटिटी तुम्हारा 800, उसका अमाउंट होगा 800 इंटू 5, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू 5 रुपया, तो 4000 होगा उसका अमाउंट, बाय फिनिश स्टॉक। मैंने प्रोसेस वन का फॉर्मेट दिया था, प्रोसेस वन में हम लोग लिखे थे कि बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, लेकिन लास्ट प्रोसेस में हम नहीं लिखेंगे कि बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस में हम हमेशा लिखेंगे बाय फिनिश स्टॉक। तो बाय फिनिश स्टॉक, अब देखो फिनिश स्टॉक मतलब सेकंड को कितना यूनिट ट्रांसफर हुआ है 3240। अब तुम कंपेयर कर सकते हो क्या अबनॉर्मल लॉस आएगा या अबनॉर्मल गेन आएगा। देखो यहाँ पे तो क्वांटिटी 4000, इसके लिए कोई वर्किंग बनाना नहीं पड़ेगा, वर्किंग बनाना पड़ेगा जब 2-3-4 प्रोसेस होगा तब वर्किंग हम बनाएंगे, लेकिन ये तो क्वांटिटी एनालिसिस यहीं पे तो हो जाएगा। यहाँ पे हो रहा है 4040, इसका मतलब
अबनॉर्मल गेन आ रहा है तो टू अबनॉर्मल गेन कितना 40। अब सवाल यही है कि बाय फिनिश गुड्स इसका वैल्यूएशन क्या होगा, इसका वैल्यूएशन क्या होगा। बेटा ये सब का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट पर गुड यूनिट के हिसाब से, तो इसीलिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कॉस्ट पर गुड यूनिट क्या था। फॉर्मूला टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट। बहुत आसान है, ऑलरेडी मैं सारे कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर चुका हूँ, तुम खुद हैंडल कर लेना चाहिए सारे क्वेश्चंस, फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बोलो डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, 9000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 12000 26000 माइनस 4000 स्क्रैप डिवाइड बाई 4000 माइनस 800 नॉर्मल आउटपुट तुम्हारा 3200। देखो ये कितना हो रहा है, ये 6.875 आ रहा है। ओके, वैल्यू या कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इज इक्वल टू, बोलो कितना ट्रांसफर हुआ है, 3240 3240 इंटू क्या हो रहा है, 3240 इंटू 6.875 होगा। कितना हो रहा है बोलो, 22275 कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल गेन, अबनॉर्मल गेन कितना 40, इसका भी वैल्यूएशन होगा 6.875 के हिसाब से, 40 × 6.875 इसका वैल्यूएशन हो रहा है 275। चलो इधर लिखो 22275 275। अब देखो ये टेली हो गया, चलो ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस अकाउंट। अब लिखो नॉर्मल लॉस अकाउंट, याद है इधर नॉर्मल लॉस में अब नॉर्मल गेन एडजस्ट होगा। हाँ हाँ सर याद है, क्वांटिटी अमाउंट टू प्रोसेस टू। बोलो नॉर्मल लॉस तुम्हारा कितना, नॉर्मल लॉस कितना 800, इसका वैल्यूएशन कितना 4000 बाय अबनॉर्मल गेन, अबनॉर्मल गेन तो 40 बाय बैंक तुम बेचोगे 760 को बेचोगे 760 × 5 3800, 40 को बेचोगे 40 × 5 200, बस ये ख़त्म हो गया। आप नॉर्मल गेन अकाउंट बहुत सिंपल बहुत आसान, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे तो कॉस्टिंग बहुत ही हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्वांटिटी अमाउंट बाय प्रोसेस टू 40, जिसका वैल्यूएशन कितना हुआ 275, टू नॉर्मल लॉस 40 200 एडजस्ट हो जाएगा, टू कॉस्टिंग पीएल होगा 75।
बस आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा बाय बाय। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रॉब्लम शुरू होगा, जिस क्लास थोड़ा टॉप क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके हमारे क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ये नंबर में तुम कॉल कर सकते हो। तुम्हें कॉस्टिंग का क्लास तो यूट्यूब में या फ्री में तो मिल जाएगा, लेकिन अकाउंट्स पेपर भी है, टैक्सेशन पेपर भी है, लॉ पेपर भी है। हम लोग का पूरा फैकल्टी का टीम है। मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ टैक्सेशन के लिए, लॉ के लिए दूसरे फैकल्टी है, सेकंड ग्रुप का भी बहुत सारे पेपर है। हम यही कोशिश करेंगे कि हर ग्रुप का एक पेपर हम फ्री में दे देंगे, बाकी तीनों पेपर तुम खरीदोगे। खरीदोगे मतलब वो बहुत कम प्राइस में। एक बार हमारे क्लास के साथ एसोसिएट हो, फिर उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि हम कितना लिबरल। ठीक है, तो थैंक यू, टाटा बाय बाय।